जी अस्सलाम वालेकुम। आज संडे 23 अगस्त 2020 है और आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ वाईफाई बेस्ड इंडोर पोजीशन सिस्टम यूजिंग ट्रायलेट्रेशन अप्रोच। उसकी सर जो हमने ने डिप्लॉयमेंट की हुई है फिज़िकली जो डिवाइसेस हमारे पास लगे हुए हैं उसमें सर जो है हमारे पास दो प्लान्स थे। एक प्लान था सर ऑन बोर्ड एंटीना का और दूसरा जो था ओमनी डायरेक्शन एंटीना का। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ओमनी डायरेक्शन एंटीना का क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से जो है मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता। तो सर जो डिप्लॉयमेंट नंबर 1 है जिसमें जो है ना ऑन बोर्ड एंटीना सर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये एंटीना है सर ये पूरे एक सर का डिज़ाइन है जिससे मैंने आर्डिनो के इस्तेमाल किया था सर। और ये मेरे पास जो है ESP01 का जो है वाईफाई मॉड्यूल है। इसको सर मैंने जो है ना 300 सैंपल्स लिए थे मैंने और पर टेस्ट जो है सर वो 50 सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं। सर ये मेरे पास सर एक ऑफिस है और इसका फर्स्ट फ्लोर है सर जो आपको पिक्चर पे जो है ना मैं अभी यहाँ पे जो है ना स्क्रीन में अभी आ जाएगी आपके पास जो इसका प्लान डायग्राम है उसमें सर अगर आप देखें सर तो ये रूम नंबर 1 है। सर ये रूम नंबर 1 है और सर ये रूम नंबर 2 है इस फ्लोर का। सर ये रूम नंबर 3 है और सर ये पूरा एक हॉल है सर। यहाँ पे सर मैंने जो है ना मार्किंग की हुई है सर और मार्किंग में जो है ना आपको सर नज़र आ जाएगा। तो सर ये देखें यहाँ पे सर मैंने मार्किंग की है आपको नज़र आ रहा होगा ये जो एल एल टाइप शेप है सर। यहाँ पे सर मैंने इस तरह रीडर्स को प्लेस किया है रीडर नंबर 1 को इस तरह में इस तरह प्लेस किया हुआ है सर ये आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टैंड है इसके लिए। फिर सर इधर आएँ तो सर इस कॉर्नर में सर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है ताकि जो है ना बार बार मुझे इसके लिए जो है ना वो मेजरमेंट ना करना पड़े। ये सर यहाँ पे आ गया। दूसरा सर देखें सर ये जो तीसरा रीडर है वो सर यहाँ पे मैंने रखा सर ये मार्किंग आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह मैंने इसकी जो है ना मेजरमेंट की हुई है जो एक्चुअल लोकेशन ऑफ रीडर्स हैं। इसी तरह सर यहाँ पे जो है ना आपको ये मार्किंग नज़र आ रही होगी। तो ये सर इस तरीके को यूज़ करते हुए मैंने जो है 300 सैंपल लिए हैं और इन सेंसर को यूज़ करते हुए और इन सेंसर को जो है ना सर जो एंकर नोड है सर एंकर नोड सर ये उसके लिए मैंने ये स्टैंड बनाया था। और ये स्टैंड सर इसकी पोजीशन अगर आप देख लें तो इसके लिए सर मैंने मार्किंग की थी एक्चुअल पोजीशन में यहाँ पे टेस्ट टेस्ट 1 सर यहाँ पे हुआ था इस तरह मार्किंग को बराबर करके। फिर इसको सर मैंने मूव किया 50 सैंपल्स के बाद यहाँ पर मूव किया यहाँ पर फिर मैंने सैंपल्स लिए हुए हैं फिर 50 सैंपल यहाँ पे कलेक्ट करके फिर मैंने मूव किया सर इधर मूव किया। इसके बाद सर इसको जो है ना यहाँ पे 50 सैंपल्स लेके सर फिर मैंने इस तरह मूव किया यहाँ पे मैंने 50 सैंपल्स दिए हैं फिर जो है सर यहाँ पे मैंने मूव करके सर यहाँ पे लिया है और इसके बाद सर मैंने यहाँ पे रखे। तो सर ये 6 टेस्ट किए हैं हर टेस्ट पे 50 सैंपल्स लिए हैं और 50 × 6 तो 300 सैंपल्स सर मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। और इसका डाटा सर सर्वर पे गया लेकिन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं कर रहा टाइम लिमिट की वजह से सर। अच्छा सर जो दूसरा प्लान जो हमारा था कि उसमें जो है ना हमने डिप्लॉयमेंट की है ओमनी डायरेक्शन एंटीना की तरफ हम गए हैं। सर ये देखें सर ये R3 सर यहाँ पे लगा हुआ है और ये सर ओमनी डायरेक्शन एंटीना सर के साथ लगा हुआ है और ये मेरे पास सर VMOS का सर्कट लगा हुआ है इसके साथ। सर इसकी पोजीशन सर हमारे पास इस एरिया पे यहाँ आ रही है। इसके साथ सर जो है ना दूसरा सर ये जो रीडर लगा हुआ है सर वो मैंने इस पोजीशन पे रखा है और सर ये रीडर नंबर 2 यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ सर यहाँ पे जो है ना ये R1 लगा हुआ है सर यहाँ पे सर ये देख नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आके सर ये R4 लगा हुआ है सर। इसके हाइट्स में थोड़ी सी मैंने डिफरेंस लाया हुआ हूँ। सर यहाँ पे सर एंकर नोड लगा है ये एंकर नोड भी सर VMOS का है और ओमनी डायरेक्शन एंटीना लगा हुआ है। सर ये एंकर नोड जो है सर इसको मैं मूव करूँगा इस पोजीशन पे सर पहले जब ये है तो यहाँ पे सर मैंने इसके जो है 300 सैंपल्स लिए हैं एक ही जगह पे। फिर इसको सर मैं मूव करूँगा सर यहाँ पे ये टेस्ट 2 हो जाएगा इस पे फिर मैं सर 300 सैंपल्स लिए हुए हैं।
इसके बाद सर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा सर, ये आपको निशानात नज़र आ रहे होंगे, ये थर्ड टेस्ट होगा 300 सैंपल्स सर, ये फोर्थ टेस्ट होगा सर 300 सैंपल्स, और ये फिफ्थ टेस्ट होगा 300 सैंपल्स के होगा। तो सर ये टोटल 1500 सैंपल्स का डिप्लॉयमेंट प्लान है मेरे पास। तो सर ये देख लें सर, ये जो है डिप्लॉयमेंट एरिया है ऑफिस में, और अब सर मैं आपको एक जगह पे टेस्ट करके आपको जो है ना इसकी डेमोस्ट्रेशन सर दिखाऊंगा। जब मैं इनके सर्किट्स को ऑन करूंगा तो इसके सैंपल्स जो है सर वो डेटाबेस में किस तरह जाएंगे। सर डेटाबेस के पास जाते हैं, मैं पहले आपको डेटाबेस बताता हूँ कि वहाँ पे एंट्रीज करंटली किस लोकेशन पे हैं। अच्छा सर मैं अभी आ गया हूँ अपने डेटाबेस में। सर ये ज़ैम्प का डेटाबेस है सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीएस का जो है सर मैंने एक डेटाबेस बनाया है। ठीक है सर, इसमें सर मेरे पास R1, R2, R3 एंड R4 सर ये मेरे पास टेबल्स हैं। रीडर वन की जो एंट्री है सेंसर की वो इसमें होगी, रीडर टू की इस टेबल में होगी, रीडर थ्री की इसमें होगी, रीडर फोर में की सेंसर की रीडर की रीडिंग इसमें आएगी सर। सर R1 पे क्लिक करते हैं तो सर यहाँ पे आपको सर 1875 एंट्रीज नज़र आ रही होंगी सर। सर ये थी सर 2875 एंट्रीज थी, लेकिन सर कुछ एरर की वजह से जो है ना उसको उसमें जो है ना वो डिलीशन की गई थी। एक्चुअल डेटा सर जो मेरा है जो मैंने लिया था सर वो सर एक दूसरे टेबल में सर मैंने उसको स्टोर किया हुआ है सर। अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे भी सर मैंने एक दूसरा डुप्लिकेट बनाया जो कि एक्चुअल मेरा जो मैंने प्रोसेस किया था सर 2875 जो है मेरी एंट्रीज थी इसमें 1500 सैंपल्स हैं सर। ये 2875 से लेके नीचे जब आप आएंगे 1375 तक सर 1500 सैंपल्स हैं। और सर देखें ये मैंने लिए थे 11 तारीख को मार्च में 2020 को। तो सर यहाँ पे जो है ना मैं जो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ सर वो इस आईपीएस के डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्री होगी। तो सर यहाँ पे जो है यहाँ पे सर 1875 एंट्रीज हमारे पास नज़र आ रही है सर। सिमिलरली R2 में भी हमारे पास 1875 एंट्रीज हैं सर, ये देखिए 1875 सर। इसी तरह सर R3 में भी हैं और सर R4 में भी हैं जी। सर इन चारों टेबल्स के ऊपर सर मैंने एक PHP की चार फाइलें बनाई हैं सर, वो फाइल जो है सर इन डेटा की अपडेट्स दे रहा है 875। सर अब मैं जाता हूँ सेंसर्स को ऑन करता हूँ तो आपको सर नज़र आ रहा होगा फिर यहाँ पे कि R1, R2, R3, R4 पे एंट्रीज जो है ना वो हो रही होंगी। सर ये देखें कि ये अभी सर इस टाइम पे सर ये जो है डेटा ले रहा है और 1883 1882 1883 ठीक है 1883। ये सर R2 भी जो है 1883 सर, ये अभी जो है ना इनकी सर ये देखें कि R1 जो है 50-55 आर से सही दे रहा है, R2-55 52 है, R3 जो है सर वो है -53 और R4 जो हमारे पास है वो है -32 सर। R4 चूँकि करीब है इस चीज़ की बिल्कुल कम आ रही है, R3, R2 और R1 जो है इनसे जो है ना इनका नोट से दूर है तो इसकी वैल्यू जो है ना सर वो आ रही है ज़्यादा आ रही है सर। अब मैं इसको मूव करता हूँ, ये सर फर्स्ट लोकेशन था सर, और सर फर्स्ट लोकेशन में सर मैंने 300 सैंपल लिए थे। अब सर मैं इसको मूव करता हूँ टेस्ट नंबर 5 की लोकेशन पर, वहाँ पे देखते सर जिसकी वैल्यू सर हमारे पास किस तरह चेंज होती है सर। सर ये टेस्ट लोकेशन 1 है सर, यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ सर, ये टेस्ट 2 हो गया, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 सर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ सर। अब सर इसकी वैल्यू को अगर देखें तो सर ये रीडर नंबर 2 है, ये रीडर 2 के करीब आ गया है सर, और रीडर 3 से थोड़ा सा जो है वो दूरी पर है सर। अब सर इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू सर किस तरह आती है सर। देखें रीडर 2 और रीडर 3 पे सर इसकी वैल्यू कम आ गई सर, -39 और -38 है क्योंकि इसके करीब है,
और सर आर वन को सर देखिए सर माइनस 50 वैल्यू दे रहा है, और आर फोर में सर देखिए माइनस 52 वैल्यू दे रहा है। तो ये आर वन आर फोर से दूर हो गए, क्योंकि आर वन आर फोर जो है ना वो इसकी दूरी टेस्ट वन की लोकेशन पे करीब था, इस वजह से वहाँ पर इनकी वैल्यू कम आ रही थी। जब इसको मैंने दूर किया है टेस्ट फाइव पे लेके आया हूँ सर, अगर आप एरिया प्लान देखें ओमनी डायरेक्शन वाला, तो सर उस पे जो है ना सर आर टू और आर थ्री के साथ जो है ना सर टेस्ट फाइव करीब आ रहा है सर। तो जिस तरह सर ये एक से दूर होगा तो उसकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी आर एस एस आई की वैल्यू, और जिस रीडर्स के करीब आता जाएगा इनकम नोड तो उसकी वैल्यू जो है ना वो कम होती जाएगी सर। तो सर ये मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है, और अब सर देखेंगे कि ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है तो सर ये किस फाइल के बेस पे जो है ना हमारे पास आ रही है सर। तो सर मैं आपको आर्डिनो का एक कोड दिखाता हूँ कि जो सेंसर के अंदर जो हमारे पास एक जो हमने कोडिंग की है सर, मैं ये आर फोर की सर आपको नज़र आ रहा हूँ आर फोर रिमोट आर फोर की रीडिंग है सर। इसमें सर ये देखें कि इसमें मैंने पूरा ये सेटअप दिया हुआ है कि पहले इसको जो है ना ए पी के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, और सर्वर का जो है ना जो जिस सर्वर पर ये जैम इंस्टॉल है जैम डेटाबेस है उसकी आईपी एड्रेस ये है, उसका पोर्ट नंबर ये है। तो सर ये जाएगा सर कनेक्ट होगा, कनेक्टिविटी के बाद सर ये क्या करेगा सर, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लगाया है स्कैन नेटवर्क, स्कैन नेटवर्क सर एग्जीक्यूट होगा, स्कैन नेटवर्क में जब ये जाएगा सर ये यहाँ पे है, तो सर ये वाईफाई को स्कैन करेगा। तो सर ये एन जो वहाँ पर यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो ये देखा कि हमारे पास कितने वाईफाई हैं, वन है टू है थ्री है सिक्स हैं कितने हैं, सर वो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कि इसके लेट सपोज सिक्स वाईफाई सिग्नल मुझे आ रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द सर इन्वायरमेंट में सर और वाईफाई भी सर लगे हुए, ऑफिस में भी लगे हुए हैं सर, बाकी जो है ना घरों में लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी ये जो है ना इसको कैच करेगा। फिर सर अगर कोई वाईफाई नहीं है तो ये प्रिंट करेगा कि नो नेटवर्क फाउंड, अगर है तो सर ये जाएगा नेटवर्क फाउंड करेगा, और फिर सर जीरो से लेकर जितने नंबर ऑफ SSID हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं उसको सर वो देखेगा। उसमें से हमें कौन सा चाहिए सर, उसमें से हमें चाहिए एंकर नोड वन सर। ये एंकर नोड वन सर उस एंकर का नाम है जो कि हम मूव कर रहे हैं सर, उसके अंदर बिल्ट इन उसके वाईफाई को जो है हमने SSID दी है एंकर नोड वन। तो ये जो है ना ये फंक्शन जो है चेक करेगा कि इन पाँच छः एन वैल्यू है इसमें से एंकर वन कौन है, तो एंकर वन देखेगा उसकी SSID को जो है ना एक वेरिएबल में हम डालेंगे जो कि SSID वन है, और सर उस SSID के अगेंस्ट उसकी SSID वैल्यू क्या मिली है इसको इस रीडर फोर को, सर वो RSSI में जो है वो स्टोर हो गया है। तो ये इस वीडियोज़ में जो कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इसके अंदर ये स्टोर हो गया, और फिर सर यहाँ पे आ जाएगा देखेगा कि SSID एंकर वन है, अगर वो है तो क्या करो इस होस्ट पे जाओ जो कि होस्ट वीडियो हमने ऊपर दी थी 8.103 IP पे जाओ, इस पोर्ट पे जाओ, उसमें TCP कनेक्शन लो, तो TCP कनेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वो कहेगा कनेक्शन फेल्ड, और फिर दोबारा वो वाईफाई को स्कैन करेगा। अगर कनेक्शन हो गया तो ये क्या करेगा कि ये जो है ना फिर URL पे जाएगा, IPS डेटाबेस मैंने जो है हमारे पास उसमें सर एक फाइल बनाई है R4_S data। ये सर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि R4_S data क्या है सर। R4_S data सर ये है मेरे पास, R4 के लिए जो डेटा सेंसर से आएगा उसको सर गेट करो। तो सर तीन वैल्यूज आ रही है हमारे पास सेंसर से, किस तरह एक आ रही है सर SSID 1 जो हमने लिखा था कि एंकर नोड 1 है, दूसरा सर आ रहा है RSSI आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तीसरी वैल्यू सर क्या आ रही है, कौन सा रीडर भेज रहा है, तो R4_X मीन्स कौन सा रीडर भेज, फोर नंबर रीडर भेज रहा है सर। तो सर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये आज कौन सा रीडर भेज रहा है, उसकी SSID क्या है, जो जिसने जिस एंकर नोड का जो है ना SSID पकड़ी है वो वैल्यू 2 में डाल देगा, इस तरह वैल्यू 3 में यह डाल देगा। ये वैल्यू सर जाएंगी सर क्या होगा सर, इंसर्ट होगा क्योंकि R4 की वैल्यू तो ये जाएगा टेबल R4 पे जाएगा, R4 पे सर ये क्या करेगा रीडर ID डालेगा 4, SSID डालेगा एंकर नोड 1, और जो RSSI वैल्यू से मिली है वो जो है ना सर उसके अंदर ये इंसर्ट करता जाएगा। इंसर्ट करने के बाद सर आपको मैंने जो ये फंक्शन ये जो मैंने बताया दिखाया है आपको ये यहाँ पर सर ये देखिए ये इस तरह इसकी एंट्रीज होती जा रही हैं सर 1937 सर इसकी देखें सर कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है सर -35 -39 सर इसकी 52 52 फिर इस तरह जो है सर ये वैल्यूज इसकी यहाँ पे एंट्री होती जा रही है सर।
इसके बाद सर जो हमारा जो मेरा डिज़ाइन फेज है सर, उसमें सर ये डाटा करेक्शन हो गया है। डाटा करेक्शन के बाद सर हम जाएंगे सर मैटलैब के पास। मैटलैब में देखेंगे कि मैटलैब में हम इस आरएसएसआई वैल्यू को किस तरह एक्सेस कर। सर मैटलैब सर मैं जाता हूँ सर मैटलैब में। सर मैटलैब में सर मेरे पास सर ये करंट फोल्डर में सर सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। 1500 सैंपल्स के लिए 3D मैंने कैलकुलेट किया है और 300 सैंपल्स के लिए 3D के लिए अलग फाइल है। 1500 सैंपल्स के लिए सर जो है 2D कैलकुलेट किया था और 300 सैंपल्स के लिए सर 2D कैलकुलेट किया था। इसके अलावा सर नीचे अगर आप देखें तो 1500 इस पे जो है ना सर 1500 सैंपल्स के लिए जो एक्स और वाई वैल्यू निकली थी सर उसके लिए मैंने MSC कैलकुलेट की इस फाइल से। इससे जो है ना 300 सैंपल्स की MSC फाइल मैंने कैलकुलेट की अलग से। सर ये डिस्टेंस फार्मूला है, सर्कल सर इससे बनेंगे और सर ये एक्सेस फाइल है जो कि हमारे पास जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा सर। तो सर डेटाबेस के पास मैं सर जाता हूँ, सर डेटाबेस को मैं ओपन करता हूँ सर। सेम मेरा डेटाबेस एक्सप्लोरर है सर। इसमें जाके सर मेरे पास सर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सर मैं जाऊँगा और IPS चूँकि मेरा डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करूँगा। यूज़र नेम दूँगा सर, तो ये देखें मेरे पास वहाँ का पूरा सारा का सारा डेटाबेस ओपन हो गया है। मैं आप लोगों को सर क्लिक करता हूँ तो सर उसकी ID सर देखें और RSSI। सर ये देखें ये 201 से शुरू हो रहा है, ठीक है ये 201 से शुरू हो रहा है और ये सर देखें तो ये मैं सर नीचे आता हूँ तो सर इसको मैं सेटिंग कर दिए। सर ये देखें 1950 एंट्रीज हैं सर मेरे पास R1 के डेटाबेस पे सर। फिर सर मैं जाता हूँ सर R2 पे, तो R2 में सर मैं देखता हूँ कि R2 RSSI इसकी क्या आ रही है सर। तो इसको सर मैं R1 की ID के साथ लिंक करता हूँ सर, ये R2 की ID सर। सर ये देखें वैल्यूज हैं सर, ये देखें R1 R2 R3 R4 की सर ID के से देखें सर। सर ये देखें यहाँ पे मैं आपको यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ सर कि 201 से लेके 500 तक सर, ये 500 तक सर यहाँ पे सर ये वैल्यू जो हैं सर ये 300 सैंपल्स हैं। ये 300 सैंपल्स सर मैंने जो डिपार्टमेंट प्लान वन जो था ऑनबोर्ड एंटीना के सर ये टेस्ट रिजल्ट्स की ये टेस्ट की वैल्यूज हैं सर। इसके बाद सर यहाँ पे सर आए तो 1376 से लेके सर 1376 से लेके सर 2875 तक सर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं सर 1500 सैंपल। सर नीचे अगर जाएँ ना तो सर ये मेरे पास आ रहे हैं 1875 तक सर ये वैल्यूज जो है ना सर ये 1500 सैंपल्स है। इसमें सर 1000 वैल्यूज नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि सर इस करंट डेटाबेस में मैं काम कर रहा था तो इस वजह से वो डिलीट हुई हैं और उसका बैकअप मैं सर IPS जो ये डेटाबेस है सर IPS डेटाबेस 1 इसमें सर ये वो वैल्यू जो है ना पड़ी हुई है सर, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया सर 2875। सर ये मेरे पास यहाँ पे जो है 1375 से लेके 2875 तक हमारे पास 15 सैंपल है सर। अच्छा सर इस वैल्यूज को सर अगर मैंने क्या करना है कि यहाँ पे लाना है मैटलैब के वर्क स्पेस पे सर मैंने लाना है सर यहाँ पे तो मैटलैब के वर्क स्पेस जब पे जब सर मैं ये वैल्यूज लाऊँगा तो सर ये कितनी वैल्यूज आ रही है मेरे पास 1749। सर इसमें सर जो है 300 सैंपल्स भी हैं, इसमें 1500 सैंपल्स के डेटा भी है सर और करंट जो अभी मैंने आपको टेस्ट दिखाया था सर सर उसकी भी सर ये वैल्यूज है 1949 1948 1947 सर ये करंट वैल्यूज हैं। तो सर ये इशू बनेगा कि मिक्सचर जाएगा वर्क स्पेस पे, तो इसको ओवरकम करने के लिए सर मैंने क्या किया है कि
मैंने डेटाबेस में से जो है सर, मैंने छोटे छोटे डेटाबेसेस बनाए हैं, और छोटे डेटाबेस में सर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है सर ओल्ड एंटीना मीन्स ऑन बोर्ड एंटीना के 300 सैंपल्स का रिकॉर्ड ये है। तो सर मैं इसको सर ये देख लें आईडी R1 RSSI। जी सर, सर देखें मैंने आपसे कहा था कि 201 से लेके 500 तक का जो रिकॉर्ड है सर, ये मेरे पास एरिया प्लान 1 का रिकॉर्ड है। अब सर मैं आपको एक जो 1500 वाला रिकॉर्ड है सर, वो मैं आपको दिखाता हूँ सर। वो न्यू एंटीना 1500 का रिकॉर्ड है सर, ये देखिए सर 1500 सर एंटी आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। 1376 से लेके 2875 तक सर ये 1500 सैंपल दिए हुए हैं 5 टेस्ट के। तो सर इसको फिर हमने इंपोर्ट करना है सर, तो मैंने सर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, इसको फिर मैंने वहाँ पे इंपोर्ट किया है। सर इंपोर्ट करने से पहले सर मैं आपको पहले मैटलैब की फाइल दिखा दूँ। सर ये देखें, अगर मैंने सर इन इस 1500 के सैंपल्स के लिए 2D टॉयलेट टेस्ट का मैंने अप्रोच करना, सर देखें ये फाइल है सर, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो सर पहले देखें ये एक्सेस कर एक्सेस फाइल अंडरस्कोर 1500, सर इस फाइल के पीछे जाते हैं सर, एक्सेस फाइल अंडरस्कोर 1500 सर। इसमें सर ये देखिए मैंने एक अरे बनाया है सर 15, और सर 4 वैल्यू मीन्स 4 कॉलम्स हैं, और 1500 रोज हैं, 4 कॉलम मीन्स R1 R2 R3 R4 सर। सर ये ए जो है ये इसमें डिस्टेंस स्टोर होगा सर, 1500 रोज में से हर एक रीडर का जो है ना सर डिस्टेंस स्टोर होगा। सर मैंने लूप चलाया है सर I1 से लेकर 15 तक से पूरा सर, ये जो है अकॉर्डिंग है। सर डिस्टेंस में देखें सर, तो सर यहाँ पे क्या चीज़ मांग रहा है, R RSSI INJ RSSI, क्योंकि मेरे पास वर्क स्पेस में तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या करना है कि इस चीज़ को जो है ना मैंने इम्पोर्ट करना है यहाँ से। 1500 सैंपल्स की बात करें तो मेरे पास सर ये देखिए 1500 सैंपल्स, इसको मैं सर यहाँ पे नाम देता हूँ RRSSI, न्यूमेरिक वैल्यू सर मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा, सर ये इम्पोर्ट हो जाएगा सर अभी। तो सर अभी मैं आपको देखें वर्क स्पेस पर सर मेरे पास आ गया RRSSI, सर इसको मैं सर डबल क्लिक करता हूँ तो सर यहाँ पर मुझे वैल्यू दिखा देगा, ये देखें सर फर्स्ट आईडी है, सेकंड R1 की वैल्यू है, R2 रीडर की, R3 रीडर की, R4 रीडर की सर। तो सर यहाँ पे देखें मुझे जो है ना 2 से लेके 5 तक के सारे RSSI को मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट करूँगा। तो सर ये देखें I है फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से स्टार्ट, क्योंकि हमें हमारा काम RSSI के साथ है सर। तो ये क्या होगा कि ये सेकंड कॉलम के पास जाएगा, सेकंड जो हमारे पास आप क्या आ रहा है सर 2 R है। तो ये देख रहे हैं आप, ये मुझे बता रहे हैं कि पी और सर जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है कि एट वन डिस्टेंस के रेफरेंस पे इस एंटीना की वैल्यू RSSI क्या है सर, वो -34 है सर। R2 रीडर जो है सर, R2 रीडर उसकी फर्स्ट 1 मीटर पे उसकी वो वैल्यू दे रहा है सर -37। सर ये टेस्टिंग की बात हुई है, पहले हमने जो है ना सर मैंने टेस्ट किया था इसके एंटीनों का, जो 1 मीटर पे हर एक लीटर क्या कैलोरी देता है, ये -33 दे रहा है सर, ये -34 दे रहा है सर। अब ये देखें N=3.0 है सर। सर ये वो पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू है, क्योंकि सर पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू सर 3 मैंने इसीलिए क्योंकि सर ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे ये एक सेलुलर एरिया है सर, मतलब यहाँ पर सर वाईफाई के सिग्नल और भी हैं, यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से सर जो फ्रिक्वेंसी में अगर कोई ओवरलैपिंग है वो हो रही होती तो सर वो जो पाथ लॉस एरर की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सर वो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया है चारों लीटर्स के लिए सर। तो सर ये क्या करेगा, ये सर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला एक्सेस करेगा। डिस्टेंस फार्मूला में सर हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, RSSI वैल्यू चाहिए होती है, दूसरा चाहिए होता है सर कि 1 मीटर पर इसकी क्या रेफरेंस वैल्यू आ रही है RSSI की, और एन मीन्स पाथ लॉस एक्सपोनेंट वैल्यू है सर। डिस्टेंस फार्मूले के पास जाते हैं सर, हमारे पास सर ये डिस्टेंस फार्मूले है सर, डिस्टेंस फंक्शन सर एक्सेस होगा सर, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ रही है, ये डी सर, क्योंकि सर ये डिस्टेंस जो सर ऑलरेडी थीसिस में सर ये मेंशन किया हुआ है। तो सर ये डी की वैल्यू सर हमारे पास जो है फिर क्या होगा,
ये d की वैल्यू सर हमारे पास एक ये जो बना हुआ है ये a इज इक्वल टू 0 1504, तो सर ये इस एरे में सर स्टोर हो जाएगा। तो सर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ACCFIME_1500। सर मैं इस फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। तो सर ये देखें कि आपके पास एक टेबल बन गया ए, 1500 एंट्रीज हैं और 4 कॉलम जैसा, इसको सर देखते हैं। सर ये देखें RSSI -34 को कन्वर्ट किया है सर, तो इसका डिस्टेंस आया 1.3594। इसी तरह सर R4 की फर्स्ट वैल्यू -29 है सर, इसको कन्वर्ट किया है तो सर इसकी वैल्यू आ रही 0.6813। इस तरह सर इन तमाम की RSSI को जो है सर एक ही उसके जरिए सारे डिस्टेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब सर इस डिस्टेंस को सर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करना ताकि हमारे पास ये डिस्टेंस वहाँ पे पड़ा हुआ हो। सर यही डिस्टेंस है जो कि हमारे लिए MSE की वैल्यू कैलकुलेट करेगा सर हमारे लिए। तो देखें क्या हुआ कि एक्सेस फाइल _1500 जो है जब एक्सेस हुआ है तो मेरे पास जो है दो चीज़ें बनी हैं सर, एक ये ए की वैल्यू जो कि डिस्टेंस में शो कर रहा है सर, दूसरा RSSI वैल्यू की पूरी एक वर्क स्पेस में जो है इसकी एंट्री हो गई है। फिर सर ये देखें रीडर टू है सर, यहाँ पे सर X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 सर ये जो है डेटा करेक्शन फेज में सर मैंने कहा था कि इसके अंदर जो है ना हमने रीडर्स की क्योंकि पोजीशन फिक्स हैं तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है सर। फिर इस सर ये पूरी प्रोग्रामिंग इसकी हुई है। फिर सर यहाँ पे ये देखें कि डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस एक अरे बना रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो अरे बन गया सर यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये जो है इस ए से वैल्यूज को उठा रहा है, इस ए से डिस्टेंस को उठा रहा है और जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल जब I1 है तो इसका मतलब ये है कि रीडर 1 का पहला डिस्टेंस, रीडर 2 का पहला डिस्टेंस, रीडर 3 का पहला डिस्टेंस, क्योंकि 2D ट्रांजेक्टेशन के लिए 3 डिस्टेंस वैल्यू होंगी, उसमें 3 रीडर्स इस्तेमाल होते हैं, तो फर्स्ट 3 रीडर्स की वैल्यू हमारे पास सर ये आ रही है। फिर सर ये सर्कल ड्रा करेगा सर रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3 के लिए, ठीक है सर, और एक सर्कल ड्रा होगा सर उसके लिए एक्चुअल वैल्यू के लिए जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर है सर, ठीक है सर। देखिए R1, R2, R3 होगा और फिर एक्चुअल वैल्यू उसकी प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग में सर X00 है, X00 जो है ना इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है सर। उसके बाद सर ये देखें 2 ट्रांजिटरेशन है सर, 2 ट्रांजिटरेशन में सर रीडर 1 की जो लोकेशन है सर, रीडर 2 की लोकेशन, रीडर 3 1 1, ठीक है ना, ये सर 1 1 2 1 एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है ना। फिर जो है इस तरह के 3 1, सर ये देखें रीडर 1 1 यहाँ पे सर X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, तो सर ये वैल्यू X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 की वैल्यू जा रही है सर, और 3 डिस्टेंसेस जा रहे हैं सर। तो ये सर कहाँ जाएगा सर, ये एक्सेस करेगा 2_try को। तो सर हम देखते हैं कि 2_try की फाइल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है सर, 2_try। सर 2_try में सर ये देखें X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 और D1, D2, D3 सर। तो ये पूरी की पूरी सर आप ज़रा देख लें कि इसमें सर ये जो है ना पूरी फॉर्मूलेशन हुई है। यहाँ पे सर देखें तो आखिर में डिटरमिनेंट होगा क्योंकि क्रेमर रूल है, तो सर डिटरमिनेंट होगा सर ये एक्स की वैल्यू ये है और सर ये वाई की वैल्यू ये डिटरमिनेंट आ रही है। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी सर तो ये वापस से 2D ट्रांजिटरेशन में आएंगे और एक्स वाई पे हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा सर एक्स और वाई। आई क्या है कि फर्स्ट वैल्यू जो तीनों रीडर्स दे रहे हैं उस पर उसकी क्या वैल्यू है सर, एक्स और वाई सर वो दिखाएगा कि एक्स और वाई क्या है, और फिर सर ये स्कैटर करेगा, ठीक है, और ये सर्कल बनाएगा सर, आपको ये प्रिंट करेगा सर। सर मैं इस फाइल को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो सर आपको अंदाज़ा हो जाएगा सर, ये फाइल सर है test2d_1500। सर इसने अब मुझे एरर दिया है कि लॉस 1500 अनडिफाइंड सर, तो वाकई सर वो मेरे पास वर्क स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो सर ये देखें लॉस 1500 है हमारे पास, सर ये लॉस 1500 कहाँ से आएगा सर, देखें 11 और 12 है सर। सर मैंने क्या किया था कि सर मैंने एक डेटाबेस एक टेबल बनाया था,
ये सर लॉस 1500 का सर लेते हैं। और सर इस टेबल में सर मैंने जो है ना 1500 एंट्रीज की थी, जिसमें ना R1 था, R2, R3, R4 सर ये वैल्यूज बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ एक्चुअल एक्स एक्चुअल वाई सर ये वैल्यूज सर मैंने इंसर्ट की थी। क्योंकि फर्स्ट 300 सैंपल्स के लिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी, फिर 300 सैंपल्स के लिए एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि 5 टेस्ट हुए हैं। तो सर ये सारा का सारा जो है ना एम्प्टी था। इसको सर मैंने क्या किया है कि इसको फिर मैंने फिलअप किया है, इस डेटाबेस टेबल को मैंने जो क्या किया इसको मैंने फिल किया है सर। सर फिल करने के बाद सर मैं गया हूँ सर डेटाबेस एक्सप्लोरर पे, और सर यहाँ पे जो है IPS के डेटाबेस में सर मैं जाता हूँ। सर IPS के डेटाबेस में सर यहाँ पे देखें लॉस 1500, तो सर ये लॉस 1500 तो सर मैंने क्या किया कि इसको मैंने ऑल सेलेक्ट किया। तो सर आपको देखें यहाँ पे जो है ना आपको सारी वैल्यूज नज़र आ रही होंगी। तो ये वैल्यूज़ जो है सर मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारी जीरोस थी, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू सर ये मेरे पास नहीं थी। इसको सर मैंने क्या किया कि लॉस 1500 के नाम से सर इसको मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को इम्पोर्ट किया है सर। तो इससे इम्पोर्ट करके वर्क स्पेस में मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये देखें लॉस 1500 सर। अब ये देखें 11 और 12 ये मेरे पास एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यूज हैं। तो सर यहाँ पे जो एरर मुझे दे रहा है वो ये दे रहा है कि आप तो कि आप एक्चुअल एक्स और वाई को प्रिंट कर रहे हो, ये एक्चुअल एक्स और वाई जैसे 11 और 12 जो हैं कि ये था नहीं, लेकिन अभी आ गया सर, अभी ये आ गया, तो ये एक्चुअल एक्स और वाई को भी साथ साथ प्रिंट करता जाएगा सर। तो सर मैं पहले फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें सर फर्स्ट वैल्यू के लिए मतलब फर्स्ट जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया इन्होंने वो 4.8 और 9.9 है सर। सर ये देखें इसके लिए उसने जो है ना सर्कस बनाए हैं सर 4.8 और 9.9। डेटाबेस में देख लेते हैं सर कि हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है 4.8 और 9.9 से, ये देखें 6th और 7th पोजीशन डेटाबेस में सर, ये देखें 6th और 7th पोजीशन सर 4.8 और 9.9। सर ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू तो कैलकुलेट हुई है टेस्ट 1 में फर्स्ट सैंपल के लिए। इसको सर फिर मैं एंटर करता हूँ, सर ये सेकंड ऑफ वैल्यू देगा सर, सेकंड वैल्यू मुझे दे रहा है 2.8 और 10.12। तो सर डेटाबेस में देखें 2.8 एंड 10.12। इस तरह से मैं फिर एंटर करता हूँ तो सर ये 3 होगा, फिर जो है सर 4। देखिए सर ये सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट ज़्यादा होंगे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। सर अगर आप ये देख लें तो प्रीवियस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, ये थोड़ा सा करीब आ गया सर। तो मैं एंटर करता हूँ, सर ये देखें दूर हो गया। जैसे ये सर्कल करीब होंगे उतना सर ये जो येलो डॉट है, क्योंकि तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है एक्चुअल लोकेशन के लिए, तो सर वो उतना ही करीब आता जाएगा जैसे कि ये सर्कल्स करीब आते जाएंगे सर। तो सर ये 2D ट्रायलेट्रेशन के लिए सर ये प्रोसीजर था सर। अब देखिए सर 3D ट्रायलेट्रेशन के लिए भी सर यही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सर ये फाइव तो एक ही होगी, डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है सर। तो सर ये क्या करेगा, Z1, Z2, Z3 इसमें डालेंगे सर, इसमें थोड़ा रीडर्स की जो हाइट वैल्यू है Z1, Z2, Z3 वो यहाँ पे डाल दिए सर। इसके साथ साथ सर आप देखें तो यहाँ पे सर ये जो है सर्कस बना रहे हैं सर यहाँ पे पहले मैंने स्फेयर्स बनाए थे, स्फेयर्स चूँकि 3D ट्रायलेट्रेशन के लिए बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं एक्स ओ वाई की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए सर मैंने जो है ना यहाँ पे एक्स ओ वाई को प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ आप जरा जैसा ये देख लें ये वही एक्चुअल वैल्यूज हैं 11 और 12 मुझसे लेगा और सर एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ पे वही क्या करेगा प्रिंट करेगा सर। तो 3D की वैल्यू सर मेरे पास डेटाबेस में सर यहाँ पे आ रही है, 3D की वैल्यू जो एक्स के लिए और 3D की वैल्यू जो वाई के लिए सर वो ये आ रही है। तो सर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कैसे कर एग्जीक्यूट करता हूँ टेस्ट 3D
_1500। सर ये देखिए 9.7 6.5 जो है ना सर ये वैल्यू आ रही है, और 3dx की 6.4 आ रही है, वो देखते हैं 6.4 आ रही है। इसके साथ साथ मैं फिर एंटर करता हूँ सर, फिर देखें मेरे पास R1 का सर्कल ये आ रहा है, R2 का सर्कल ये आ रहा है, R3 का ये आ रहा है सर, R4 का मेरे पास ये आ रहा है। जैसे जैसे सर ये और इसकी तरह जाएगा सर, देखें करीब होता जा रहा है सर, ये R4 का सर्कल करीब इसलिए है सर क्योंकि ये एक्चुअल बहुत नज़दीक है जहाँ पे सेंसर पड़ा हुआ है एंकर नोट, इसलिए इसका सर्कल ज़्यादा छोटा बन रहा है। ये R1 इससे थोड़ा सा दूर है तो इसका सर्कल थोड़ा बड़ा बन रहा है, R2 सर इससे और दूर है तो इसका और बड़ा है, R3 सबसे दूर है तो इसका सर्कल भी सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो सर ये सर मेरा जो है डिप्लॉयमेंट फेज था, और सर ये जो मैट लैब है सर इस ये जो है सर डाटा प्रोसेसिंग का फेज था। और सर टेस्टिंग के बाद बात करते हैं सर, टेस्टिंग सर MEC 1500 सर ये मेरे पास जो है सर एक फाइल है सर, ये बहुत लंबी फाइल है सर, लेकिन इसमें सर मैंने क्या किया है कि इसमें सर आप देखें 300 सैंपल्स को करना है, तो सर 300 सैंपल्स के लिए सर मैंने जो है एक अरे बनाया है सर, 300 अरे बनाए हैं सर 300 सैंपल्स के, एक्स का अलग और वाई का अलग, एक्स का अलग और वाई का अलग सर। फिर क्या किया है सर कि मैंने 3 for loop चलाया, उन 300 सैंपल्स जो कि लॉस 1500 के अंदर पड़े हुए हैं, लॉस 1500 का मतलब सर ये देखें ये इसमें से सर एक से लेके 300 तक को जो है ना ये एक्स को प्रेस करेगा, फिर जो है ना एक्स की वैल्यू को प्रेस करेगा सर ये, फिर वाई की वैल्यू को प्रेस, एक्स की वैल्यू को प्रेस करके MEC निकालेगा, फिर वाई की वैल्यू को प्रेस करके MEC निकालेगा। ये सर 3D x की वैल्यू को 300 वैल्यू को जो है सर MEC निकालेगा, और फिर वाई की भी MEC इस तरह निकालेगा सर। तो मेरे पास सर ये देखें 300 सर 5 टेस्ट हैं सर, 1 2 3 4 5 ये 5 एग्जीक्यूट होंगे, और फिर सर ये देखें MEC 2DX ये MEC निकालेगा सर हर एक तीन सैंपल्स की। सो फिर ये देखें सर X की MEC निकल गई, Y की MEC निकल गई, इस तरह से X की MEC ये Y की ये है सर, और फिर Z की मैंने निकाली है, लेकिन Z को फिर हमने यूज नहीं किया क्योंकि Z के लिए हमारे पास 2D कंपेयर नहीं कर सकते सर हम। इसकी वैल्यू सर ये जो आपको नज़र आ रहा है सर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सर मैंने कमेंट इसलिए इसको किया है कि ये जो MEC की वैल्यूज हैं ये चीज़ें, इस MEC की वैल्यूज को सर मैंने किस टेबल में इंसर्ट किया है, MEC लॉस _1500 में। तो सर ये देखें MEC लॉस _1500 के टेबल को एक्सेस करते हैं, तो सर जो जो है ना थीसिस में सर वो मैंने जो टेबल दिया है सर उसकी वैल्यू सर आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो आपको सर ये MEC की वैल्यू निकल आएंगी कि ये 2DX है और ये 3DX है, कंपेयर करें तो 3DX की वैल्यू अच्छी आ रही है, MEC 2DY MEC 3DY के साथ कंपेयर करें तो Y की वैल्यू भी MEC 3D की बेस्ट आ रही है। तो सर ये सर जो है मेरा पूरा क्रिटिकल वर्क था, थोड़ा सा लंबा हुआ है सर इस वजह से कि सर बहुत सारा काम था, तो इसलिए सर मैंने बड़ी कोशिश की है कि कट कर करके आपको प्रेजेंट कर लूँ। तो सर थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आपने जो है इसको जो है अपना डिटेल से देखा, थैंक यू वेरी मच सर।